আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন, আম্মা বাদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। ক্বালা আন-নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তালাবুল ইলমি ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমি। हर किस्म की हमदो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बुज़ुर्गी, बड़ाई लायक व ज़ेबा है उस खालिक़े कायनात के लिए जिसने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम जैसी अजीम नेमत से नवाजा। और दरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। इस मुख्तसर सी हमदो सना के बाद मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें यह अजीम मौका इनायत फरमाया। इसके बाद मैं अपनी जानिब से और इस मदरसा मोहम्मदिया के ज़िम्मेदारों के जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल करते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपने मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत पर हाजिर हुए। ख़ासकर हमारे मेहमानान खुसूसी जो सफ़र करके हैदराबाद से मोहतरमा मौलिमा निखत साहिबा आए हैं। हमारे इस मकातिब में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के वालिदैन का भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस इजलास की कामयाबी के लिए जिन जिन लोगों ने भी कोशिशें की हैं, इन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आखिर में इन ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ कि जिन्होंने बच्चों की इस्लामी तालीम व तरबियत का ख्याल करते हुए इस मकतब को कायम किया। बल्लारी से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह छोटा सा गांव है डी हिरियाल। यहाँ पर मुसलमानों के 300 घर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मकतब में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 18 है। हमारे इस मकतब में बच्चों को नाजिरा कुरान, कायदा, सूरतें, दुआएँ और अहादीसें पढ़ाया जाता है। और हफ्ते में एक बार अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से भी सुनाए जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कोशिशें कबूल फरमाए और इस मकतब को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और इस मकतब के तमाम ज़िम्मेदारों को दुनिया व आखिरत में बेहतरीन बदला इनायत फरमाए, आमीन। मौजिज़ हज़रात, अब हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ शुरू होने जा रहा है, तो आप तमाम से दिली दरख्वास्त है कि आप तमाम सुकून व इत्मीनान के साथ बैठे रहें। मैं सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत पेश करने के लिए दावत देती हूँ इफ्रा बिनते खादर बाशा को। वह आएँ, तिलावत कलाम पाक पेश करें। سورة الفاتحة مكي سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। माशाल्लाह, इस बच्ची ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश किए। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ अतिया बानू बिनते आरिफुल्ला साहब को। वो आए, अपने सुरेली अंदाज में हमद सुनाए। हर काम संवारने वाला वो एक ही अल्लाह है। ए सारे चरिंदे, सारे परिंदे, दरख्त, आसमान और ए पूरा जहां, ए रंग बिरंगे फूल, ए पत्थर और ए धूल, इन सब को बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। हर चीज बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है। जमीन में हो, दरख्त में हो या वो पानी
सबको खिलाने वाला वो एक ही अल्लाह है। सबको पालने वाला वो एक ही अल्लाह है। मुसीबत से बचाने वाला वो एक ही अल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इस बच्ची ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमद को पेश किए और इनके बाद मैं दावत देती हूँ अर्शिया बिनते इदरीस साहब को, वो आए सूरतुल माउन और सूरतुल फील सुनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह माउन मक्की सूरत। अरायत अल्लजी युकज्जिबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लजी यदुल यतीम ولا يغض على ثواب المسكين فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فيل مكي سورة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تزوير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله اس بچے نے بھی ما شاء الله بڑی بہترین انداز میں سوروں کی تلاوت کی ہے اور ان کے بعد میں دعوت دیتی ہوں افسانہ بنت دادا پیر صاحب کو، وہ آئیں سورة الاخلاص اور ترجمہ اور سورة الناس اور ترجمہ سنائیں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة اخلاص مکی سورة. قل هو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ناس مکی سورت. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتی ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کی معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے جو لوگوں سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماشاءاللہ اس بچی نے بھی سورہ اخلاص اور اس کا ترجمہ، سورہ ناس اس کا ترجمہ بڑی ہی بہترین انداز میں آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کے بعد میں دعوت دیتی ہوں واحدہ بانو بنت رحمان صاحب کو، وہ آئیں آپ سب کے سامنے 10 احادیث حوالے کے ساتھ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1. بخاری و مسلم. حدیث نمبر 2 ہے کہ اللہ عیسما کنتا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. حدیث نمبر 3 لاتا حسدو آپس میں حسد نہ کرو مسلم. حدیث نمبر 4 اتہم رشت و ایمان پر کیا دائمان ہے مسلم. حدیث نمبر 5 اصلاة النور نماز روشنی ہے مسلم. حدیث نمبر 6 انما العمل بالنیات تمام عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے مسلم. حدیث نمبر 7 الدعاء روح و عبادت دعا ہی عبادت ہے مسلم. حدیث نمبر 8 جستا التفا صلی اللہ جب تم مانگو تو صرف پلا سے مانگو. حدیث نمبر 9 مانگو شاہ پلا سے نہیں مل جو دوخہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے مسلم. حدیث نمبر 10 المسلم المسلمین ایک مسلمان جو سلمان کا بھائی ہے مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ اس بچی نے بڑی بہترین انداز میں 10 احادیث حوالے کے ساتھ سنائے ہیں اور ان کے بعد میں دعوت دیتی ہوں
मदीहा बिनते बादशाह साहब को वो आए, ईमान के अरकान कितने हैं और वो क्या हैं हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के 6 अरकान है, अल्लाह पर ईमान लाना नंबर 2, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना नंबर 3, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना नंबर 4, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना नंबर 5, अल्लाह के आखिरतों के ईमान लाना नंबर 6, तकदीर के अच्छे और बुरे आदत लाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ जोया बिनते सैफुल्ला साहब को, वो आए 4 मशहूर किताबों के नाम और इस्लाम के 5 फर्ज क्या हैं इनके बारे में बताएंगी भी और सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मशहूर किताबों के नाम ये हैं, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस्लाम के 5 फ़र्ज हैं। पहला फ़र्ज कलमा पढ़ना, दूसरा फ़र्ज नमाज पढ़ना, तीसरा फ़र्ज रमज़ान के 30 रोज़े रखना, 14 फ़र्ज माल की ज़कात देना, 5वां फ़र्ज इस्तेआत हो तो हज करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, इस बच्ची ने भी बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में आप सबके सामने सुनाया है। और इसके बाद मैं दावत देती हूँ सादिया बिनते मोहम्मद इस्माइल को, आए इस्लामी महीनों के नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी महीनों के नाम ये हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल आखर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुलहिज्जा, ज़ुलहिज्जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, इस बच्चे ने भी बड़ी बेहतरीन अंदाज में हम सबको इस्लामी महीनों के नाम क्या क्या हैं हमें बताया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ इफ्रा बिनते खादर बादशाह को, वो आए माँ की अजमत के बारे में चंद बातें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माँ की अजमत जन्नत, माँ के खदमों तले हैं, माँ के बगैर घर कब्रिस्तान लगता है, माँ को कभी ना सताओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, दुनिया में माँ से ज़्यादा हमदर्द हस्ती कोई नहीं, और माँ की मोहब्बत कभी भी दिखावे के लिए नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माँ की अजमत के बारे में प्यारी 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 बातें इस बच्ची ने हम सबको बताया है। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ अर्शिया बिनते रहमतुल्लाह साहब को, वो आए जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल उनमें चंद पॉइंट बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, नंबर 1 अल्लाह ताला के साथ शरीक करना, नंबर 2 नमाज का ना पढ़ना, नंबर 3 पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना, नंबर 4 हक को छुपाना, नंबर 5 रियाकारी करना, नंबर 6 जीना करना, नंबर 7 किसी जान को कत्ल करना, नंबर 8 किसी पर नाहक जुल्म करना, नंबर 9 नाहक यतीमों का माल खाना, नंबर 10 शराब पीना और जुआ खेलना, नंबर 11 जमीन में फसाद बर्पा करना, नंबर 12 तकबर करना, नंबर 13 अपने आप को कत्ल करना, नंबर 14 किसी का मजाक उड़ाना, नंबर 15 कंजूसी करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे ने बड़े ही प्यारे अंदाज में जहन्नम के बारे में चंद पॉइंट बताए हैं, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह आसन जज़ा। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ अयमन बिनते अब्दुल्ला साहब को, वो आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बारे में चंद पॉइंट बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, नंबर 1 वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं, नंबर 2 वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए फरिश्ते दुआएं रहमत करते हैं, नंबर 3 वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना खरा
दिया है। नंबर चार, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ताला ने महराज की शर्फ से नवाजा। नंबर पाँच, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना करार दिया है। नंबर पाँच, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बाद क़यामत तक आप कोई दूसरे नबी नहीं आने वाले। नंबर छः, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके खुश होने से अल्लाह ताला खुश होता है। नंबर सात, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाराज़ होने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। नंबर आठ, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। नंबर नौ, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। नंबर दस, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे आगे बढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं। मन रहीबान सुन्नति फले समिन्नी, जिसने मेरे तरीके को नापसंद किया तो मुझ में से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के बारे में प्यारे प्यारे कलिमात हमने सुना है, माशाल्लाह। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ अस्मा बिनते हुसैन साहब को, वो आए खैर के कलिमात, उनमें चंद कलिमात बताएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير کے کلمات کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے کوئی چیز سامنے آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اگر کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ کہنا چاہیے کسی چیز کی تعریف کرنا ہو تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے کسی کا شکر ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ کہنا چاہیے سو کر اٹھو تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے کسی افسوس پر کہو استغفر اللہ کہنا چاہیے اللہ کے نام پر کچھ دو تو فی سبیل اللہ कहना चाहिए किसी को रुख्सत करो तो फी अमान अल्लाह कहना चाहिए जब कुछ नागवार हो तो नौज बिल्लाह कहना चाहिए जब खुशगवार हो तो फतबारक अल्लाह कहना चाहिए किसी की मौत की खबर सुनो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्ची ने भी बड़े ही प्यारे अंदाज में छोटी छोटी बातें हम सबको बताई हैं, माशाल्लाह। अब इनके बाद मैं दावत देती हूँ फरहीन बिन इसहाक को, वो आए कबीरे गुनाह क्या है उनमें चंद पॉइंट बताएं। कबीरे गुनाह ये है, नंबर एक अल्लाह के साथ शरीक करना, नंबर दो नमाज का ना पढ़ना, नंबर तीन वालिदिन के साथ ना फरमानी करना, नंबर चार रिश्तेदारी को काटना, नंबर पाँच हराम करी करना, नंबर छः शोहर के साथ ना फरमानी करना, नंबर सात झूठी गवाही देना, नंबर आठ एहसान जतलाना, नंबर नौ अल्लाह के रास्ते से मायूस होना, नंबर दस फैसला करने पर रिश्वत लेना, नंबर ग्यारह नाप तोड़ने कमी बेशी करना, नंबर बारह किसी बुरी आदत का ऐजाद करना, नंबर तेरह तस्वीर बनाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, इस बच्ची ने भी बड़े ही प्यारे अंदाज में कबीरे गुनाह यानी बड़े गुनाह क्या हैं इसके बारे में हम सबको बताया है। अब इनके बाद मैं दावत देती हूँ रिहाना बिनते पीरा साहब को, वो आए अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में चंद बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह के रसूल सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी थे, दुनिया की हर चीज सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें मौजज़ात से नवाजा था कि इन्हें परिंदों की बोलियां आती थी। इंसान जिन परिंदे और हैवान सब उनकी ताबे थे। इसके अलावा हवा पर भी इनका हुक्म चलता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिहाद से बड़ी मोहब्बत थी, वो अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान जिन्नात हैवानात परिंदे सब शामिल थे। इस लश्कर में हुदहुद भी था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब वो तकरीर का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मैं सबसे पहले तकरीर करने के लिए दावत देती हूँ सानिया बिनते बाशा साहब को, इनकी तकरीर का उन्वान है अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। मेरी तकरीर का उन्वान है अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उमदा नमूना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेज़ान में तमाम नेकियों में सबसे ज्यादा वजनी हुस्न अख़लाक़ रहेगा। मौजूद समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए,
मक्के में सादिक और अमीन के लखब से मशहूर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ की हालत में घर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, अल्लाह तआला हरगिज़ आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीला रहमी करते हैं, मुसीबत ज्यादा लोगों का बोझ उठाते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं और रख वालों को वक्त दिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही खुद कुरान ने दी है। वही नकला आला खुल की नजीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमदा अखलाक पर फायज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबीन के लिए रहमत बनकर भेजे गए और आपने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम भी दिया। अखलाक से इंसान की नेकियों का पलड़ा भारी होता है। कयामत के दिन पलड़ा भारी होने की वजह से वो शख्स जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। एक मरतबा मस्जिद नबवी में एक देहाती आकर पेशाब करने लगा। साहब इकराम ने इसको डांटना शुरू कर दिया तो आपने इन्हें डांटे से रोका और इस पर एक डोल पानी डालने का हुक्म दिया। इस वाक्य से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक का मुजाहरा करते हुए लोगों को डांट डपट करने से मना फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मेजान में तमाम नेकियों में सबसे ज्यादा वजनी उस नखला करेगा। अच्छा इंसान हो जो किसी का दिल ना दुखाए, जो किसी की बेइज्जती ना करे, जो अफू दरगुजर से काम ले। मौलवी साहब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हमने से नहीं है। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हुस्न अखलाक का मुजाहरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में इस बच्ची ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम सबको बताई हैं। माशाल्लाह, हमारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बड़ी ही उमदा नमूना है। हम सबको इस पर फॉलो करने की यानी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ सुनैना अंजुम बिनते रहमान साहब को, वो आए। इनकी तकरीर का उनवान है जन्नत और जहन्नम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का अनवान है जन्नत और जहन्नम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लोग दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, बुरे अकीदा और बुरे काम उनसे बचते हैं, नेक और भलाई का काम करते हैं, अल्लाह ताला उनसे खुश होता है और मरने के बाद इनको जन्नत में दाखिल कर देता है। मौजूद सामियात, जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल है, फूल और फलों के बाग है, शहद और दूध के नहरें हैं। जो लोग उसमें दाखिल हो गए तो वो हमेशा उनमें रहेंगे, कभी बूढ़े ना होंगे। जिस वक्त जिस चीज को दिल चाहेगा फौरन मिल जाएगी। जन्नत में आराम ही आराम होगा, किसी बात की तकलीफ ना होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फुफ्फातिल जन्नतु बिल्मकरही, जन्नत को नागवार कामों के जरिए घेर दिया गया है। मौजूद सामियात, जो लोग अल्लाह की नाफरमान है, कुरान और हदीस पर अमल नहीं करते, इनका ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम में इतनी तेज आग है कि अगर उसकी एक चिंगारी भी दुनिया में गिर जाए तो दुनिया पूरी जलकर राख हो जाएगी। जहन्नम में इतनी तेज आग है कि अगर उसकी एक चिंगारी भी दुनिया में गिर जाए तो दुनिया पूरी जलकर राख हो जाएगी। जहन्नम में बड़े बड़े जहरीले सांप और बिच्छू है, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को डसेंगे और डंक मारेंगे। मौजूद सामियात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उफ्फतिल नारु बिशावाती, जहन्नम को नफ्सानी ख्वाहिशात के जरिए घेर दिया गया है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से बचाएं और जन्नत में दाखिल फरमाएं। आमीन सुमामीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्ची ने जन्नत और जहन्नम के बारे में बड़ी ही प्यारे प्यारी बातें हम सबको बताई हैं। जन्नत में अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों के लिए क्या क्या नेमतें तैयार कर रखी हुई हैं और जहन्नम में क्या क्या अजाब इंसानों के लिए है, ये अल्लाह ताला हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला इनायत फरमाए। आमीन। और इनके बाद में चांदनी बिनते दादा खलंदर साहब को दावत देती हूँ। इनकी तकरीर का उनवान है बुराइयों की जड़ झूठ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उनवान है बुराइयों की जड़ झूठ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह इराफ आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है। हदीस में आता है, सच नाजाद देता है और झूठ हिलाक कर देता है। झूठ बोलने वालों को अल्लाह ताला ने झूठों के फहरिस्त में लिख लेता है। मुनाफिक की अलामत ये है, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ के वजह से एक माइल दूर हो जाते हैं। अक्सर लोग बच्चों को बहलाने के लिए उनसे झूठ बोलकर उनसे झूठे वादे कर लेते हैं और समझते हैं कि वो थोड़ी देर में इन वादों को भूल जाएंगे, मगर ये झूठ में शामिल होगा क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है। किसी महफिल में दिलचस्पी पैदा करने के लिए गुफ्तगू में झूठ बोलना पड़ता है, हालांकि ऐसा इस्लाम में खतान मना है। मौजी सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हंसाने की खातिर झूठ बोलने वालों पर अफसोस का इहजार किया। मौजी सामियात, एक दफा एक शख्स हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ और झूठ बोलता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनमें से एक बुराई छोड़ सकता हूँ जिसके मुतालिक आप हुक्म दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, झूठ बोलना छोड़ दो। चुनाचा इसने वादा किया, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जब वो रात को शराब पीने लगा, ख्याल आया कि झूठ बोलने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, लिहाजा इसने शराब छोड़ दी। इस तरह वो बुराइयों का इरादा करता मगर सच बोलने का वादा उसके सामने दीवार बन जाता। एक नेक आदत की बदौलत उसके तमाम बुराइयां दूर हो गए। मौजी सामियात, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। झूठ बोलकर आदमी अपना एतमाद खो बैठता है और ये बात भी मशहूर है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सौ झूठ बोलना पड़ता है। हम मुसलमान हैं और प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, जो कि झूठ से सख्त नफरत करते थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के मुनाफिक के तीन निशानियां होते हैं, जिसमें से एक ये भी है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वादा करो, आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आखिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को झूठ जैसी बुरी आदत से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्ची ने बड़े ही प्यारे प्यारे अंदाज में झूठ के बारे में हम सबको बताया है। इंशाल्लाह आज से अहद कर लीजिए यहाँ से उठने से पहले कि अल्लाह ताला इस बुराई से हमको बचाए। आमीन। और इनके बाद मैं दावत देती हूँ अतिया बिनते आरिफुल्ला साहब को, वहाँ आए। इनकी तकरीर का उन्वान है फिक्र आखिरत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरी तकरीर का उन्वान है फिक्र आखिरत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورة تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودوا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جس پر سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا گیا بجا لاتے ہیں موجی سامیات دنیا اور اس کی تمام چیزیں فنا اور ختم ہونے والی ہے اور قیامت کا قائم ہونا برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس قیامت کی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال اکٹھا کر لے اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے موجی سامیات ایسے انسان جو اپنی دنیا کی زندگی ضائع کر دیتے ہیں اس سے آخرت کے لیے کچھ بھی نیک اعمال اکٹھا نہیں کرتے ایسے لوگ جب قیامت کا سامنا کریں گے اللہ کے غضب اور عذاب کو دیکھیں گے تو نادیم اور پریشان ہوں گے اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لی حیاتی وہ کہیں گے کہ آئے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پہلے بھیج دیے ہوتے پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد
فرماتا ہے فیوم اذن لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد, بس اس دن کوئی آدمی اللہ کے عذاب جیسا عذاب نہیں دیں گا نہ کوئی اس کے بھاننے جیسا بھان دیں گا. موج اسلامیت, آج شہر کے رہنے والے ہو یا گاؤں کے رہنے والے, غریب ہو یا امیر, گرمیوں کے چند گھنٹے کسی کی بھی پیاسے بھی نہیں گزرتے, فرق بس اتنا ہی ہے کہ کوئی فریج کا ٹھنڈا پانی پیتا تو کوئی کنویں کا پانی تو کوئی مٹکے کا پانی. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے جہنمی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, اور اہل جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پینے کے لیے پانی دے دو, یا اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ دے دو. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزوں کافروں پر حرام کر دی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ الحمدللہ جزاک اللہ. اس بچی نے بڑی پیارے انداز میں آخرت کے بارے میں ہم سب کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب ان کے بعد تقاریر کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور ان کے بعد میں مکالمہ یعنی سوال اور جواب آپ سب کے سامنے سنانے کے لیے دعوت دیتی ہوں. ثانیہ بنت بادشاہ صاحب, چاندنی بنت دادا قلندر صاحب کو وہ آئیں, آپ سب کے سامنے 30 سوال جواب سنائیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کو کہتے ہیں. توحید کے کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے جو سچا مذہب ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں, کلمہ توحید کا اقرار کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اگر استطاعت ہو تو حج کرنا. اسلام میں مسلمانوں کی کل کتنے عیدیں ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ اسلام میں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں اور ان کے نام یہ ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ ارکان ایمان 6 ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, قیامت کے دین پر ایمان لانا, تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا نام احمد بھی ہے. ہمارے نبی کے والدین کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کرنے والے چاچا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے چاچا کا نام ابو طالب ہے. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 571 ہجری کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہیں کہاں نازل ہوئی؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہیں غار حرا میں نازل ہوئی. ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں مدینے میں ہوئی. سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کا نام آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی کا نام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خلفائے راشدین کتنے ہیں اور ان کے نام بتائیے؟ خلفائے راشدین 4 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی جنت کی خوشخبری دی, ان خوش نصیبوں کے نام بتائیے. نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 3 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 5 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 6 سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 7 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 8 زبیر بن علوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 9 سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 10
अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद किसका कलाम है? कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। कुरान मजीद को किसने नाजिल किया? कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने नाजिल किया। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुई? कुरान मजीद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद में कितने पारे, कितने सूरह और कितने सजदे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं, 114 सूरतें और 15 सजदे हैं। कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुई? कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुई। कुरान मजीद के कितने सूरों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है? कुरान मजीद के 113 सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है। कुरान मजीद में वो कौन सा सूरा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर शुरू होता है? कुरान मजीद में सूरा तौबा है जो बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। कुरान मजीद में सबसे बड़ा और सबसे छोटा सूरा कौन सा है? कुरान मजीद में सबसे बड़ा सूरा सूरतुल बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। हदीस किसे कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अमल और तकरीर को हदीस कहते हैं। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद थे खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां और 3 बेटे थे, ज़ैनब, रुखैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। आपके 11 बीवियों के नाम क्या क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बीवियों के नाम ये हैं: खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे सलामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ुवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल और अबू लहब थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे प्यारे अंदाज में इस बच्चियों ने सवाल और जवाब हम सब के सामने पेश किए। माशाल्लाह, इस बच्चियों के इल्म में अल्लाह ताला और ज़्यादा इजाफा करे, आमीन। अब इनके बाद मैं नज़म पढ़ने के लिए अपनी सुरेली अंदाज में आप सब के सामने नज़म सुनाने के लिए दावत देती हूँ चांदनी और इनके ग्रुप को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़म हाय खौफे खुदा दिल में न तो गीरते ईमान, हम कैसे मुसलमान है हम कैसे मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है उकबा का नहीं ध्यान, हम कैसे मुसलमान है हम कैसे मुसलमान। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मीनारे, आते ही नहीं कोई मौजन के पुकारे, मेंबर पे है खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। दुनिया के खुराफात में मसरूफ हुए हैं हम लोग, तिलावत से बहुत दूर हुए हैं, घर घर नजर आते हैं रखवाख में कुरान, हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद के अजाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजे, आबाद हमारे हैं मका मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। वोटों पे नहीं अब है जिहादों के तराने, जहनों में गूंजते हैं फकत फिल्म के गाने, शैतान के पाबंद हुए आज मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। क्या सुन्नत सरकार हमें याद नहीं है, अस्हाब के किरदार हमें याद नहीं है, अफसोस नहीं आज है सरकार के फरमान, हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। रस्म और रिवाज में सभी इंसान है डूबे, दौलत की फरावानी में अल्लाह को भूले, अब दिल में कहा जज्बाए फारूक व उस्मान, हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सुरेली अंदाज में इन बच्चियों ने नज़म आप सबके सामने पेश किए। अब मैं इनके बाद हमारे मेहमान आने खुसूसी को दावत देती हूँ कि वो आए अपने तासुरात को पेश करें। मोहतरमा मौलिमा निखत साहिबा को जो दूर से सफर करके हैदराबाद से आए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین ومن اتبعهم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अल्हम्दुलिल्लाह, काफी देर से हम प्रोग्राम देख रहे हैं. सलाम का जवाब देने पे कितने ने किया है? तो देखिए, अगर हम दीन को समझते ना, तो इवन सलाम में भी, सलाम के जवाब में भी हमको ने किया है बोल के हम क्या करते, फिर शौक से जवाब देते. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बच्चियों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में दीन को पेश किया और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स है. सुभान अल्लाह, सीरत पे बोले हैं, नमाज की अहमियत पे बोले हैं और जहन्नम जन्नत, बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत अच्छा इल्म भी है टीचर इनको माशाल्लाह से. ओके, तो चले अल्हम्दुलिल्लाह. छोटा सा गाँव है हिरिहाल, जो बल्लारी से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर कुछ ही मुसलमानों के घर है ना, 300 कुछ है शायद, नहीं उतने छह मुसलमान. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिश की जा रही, किस चीज की कोशिश की जा रही, के दीन हमारे बच्चों तक पहुंचना. क्योंकि अब जमाना कैसा आ गया मालूम है, माँ बाप बच्चे जो है माँ बाप की जिम्मेदारी है नहीं है. सबसे पहले हम क्या चीज का ख्याल करते, मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना, है ना. हर माँ बाप खाना खुद नहीं खाते, लेकिन क्या करते, बच्चे को पहले खिलाते, उसके पसंद का लाते, वो खुद भूखे रहते लेकिन बच्चे को खाना देते. उसी तरह से फिर क्या फिक्र है, कपड़े अच्छे पहनना, आम पे कपड़ा तो रहना, अच्छे कपड़े ना, खुद नहीं पहनते लेकिन बच्चों को कपड़े पहनाते. और आजकल रुझान क्या हो गया कि हम नहीं पढ़े हमारे बच्चे, बोलिए, पढ़ना. और कैसे ज्यादातर क्या है कि हम उर्दू मीडियम पढ़े, तो आज हमारे बच्चे क्या पढ़ना, इंग्लिश मीडियम पढ़ना, हमारे बच्चे को इंग्लिश बोलने आना. अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई बुरी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर माँ बाप चाहते. ओके, खाना कपड़ा और इंग्लिश मीडियम का इल्म. लेकिन याद रखिए, उससे भी बड़ी चीज है, क्या है मालूम, बोलिए, दीन का इल्म. दीन का इल्म क्यों, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले, इन दीन इन दिल इस्लाम का, तो क्या दीन, इन दीन इन दिल्ला, यानी कि जिंदगी गुजारने का तरीका जो अल्लाह को पसंद है वो क्या है, इस्लाम है. इस्लाम के मतलब क्या, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना का, तो क्या तस्लीम करना, मान लेना अल्लाह ताला जो बोले उस पर सिर झुका देना, ये है मुस्लिम. इससे भी बड़ी चीज है, खाना पानी कपड़ा घर इंग्लिश मीडियम, कमाना हमारे बच्चे अच्छा हुनर सीख लेना, कमाना अच्छी जिंदगी गुजारना. हम छोटे मोटे घरों में रहे, हम मेहनत करके कमाएं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारना, ये हर माँ बाप चाहते, ये गलत चीज नहीं है, करना कर रहे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन जब हम बोल रहे अपने आप को मुसलमान है, ये जो सारी चीजें कर रहे ना, ये जो अल्लाह को नहीं मानते ना वो लोग भी कर रहे, काफिर भी ऐसे कर रहे. जो अल्लाह को नहीं मानते वो लोग भी किसके ऊपर ज्यादा फिक्र कर रहे, दुनिया पे फिक्र कर रहे कि ऐसा रहना ऐसा रहना ऐसा रहना. लेकिन जब आप मुसलमान हैं, इससे भी बड़ी चीज है, क्या है, हम किसको मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं. ओके, मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानने वाले लोग हैं. तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के मायने क्या, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, मतलब क्या, इसे समझना जरूरी है हमें. हम बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन क्या भी परेशानी आएगी तो अब कैसा, अब क्या करना, मैं किसके पास जाना, अल्लाह कहाँ है कि मेरा क्या होता है कि, अरे बीमार, अब कोरोना से सब लोग डरे नहीं डरे, सबको घर में बिठा दिया, कोरोना बिठा दिया ना. लेकिन एक मोमिन और एक मुसलमान जब दीन का इल्म हासिल करता
कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मैं आपके पीछे दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, क्या है वो दो चीज, कुरान और मेरी सुन्नत। मतलब क्या, कुरान पढ़ना। अब हम लोग कैसे पढ़ते कुरान, बच्चों को अरबी भेज देते, क्या बोलते कितने महीने में कुरान कंप्लीट हो जाना, तीन दिन कितने जल्दी कंप्लीट करना कुरान, जल्दी कंप्लीट करो। हाँ, क्या अब हमारे बच्चे इतने पारे पे छे, जल्दी जल्दी पढ़ाओ बोलते, तो टीचर के ऊपर ये प्रेशर है कि हमें क्या करते हैं, कुरान पढ़ो बोले ना अल्लाह, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल्ला कई सभी पढ़ दे के कुरान खत्म कर देते, लेकिन खाली कुरान पढ़ना तो जरूरी है लेकिन उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझे तो कुछ भी फायदा नहीं है। तुम्हें कुरान पढ़ते ना एक बार, एक हर्फ पे दस नेकियां है बोले वो मिल जाते आपको, लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसका मायने क्या है कोई बता सकते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कोई बता सकते, ये सूरा हमें हर नमाज में पढ़ते ना, मालूम है इसका मीनिंग, कोई मालूम, अर रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम शुक्र तारीफ अल्लाह के लिए है जो पूरे जहान का क्या है, रब है, पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है, रब है। ओके, अर रहमान रहीम अल्लाह कैसा है, मेहरबान है, रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन कयामत के दिन का मालिक है। अब यहां रुक जाओ, क्या बोल रहे अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला मुझे पैदा किया, हर चीज दिया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला रहमान है रहीम है, कयामत के दिन का मालिक है, मतलब क्या, मरने के बाद कयामत आती, कयामत बोले तो क्या, अल्लाह ताला पूरे मुर्दों को उठा के बिठाते। अब हम लोग क्या सोच रहे, जिंदगी हमारी अच्छी गुजर जाना, हम अच्छा खाना पीना कमाना, हमारे बड़े बड़े घर रहना, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, हम क्या हो गए, कामयाब हो गए, नहीं है कामयाबी, मालिकी यौमिद्दीन मरने के बाद अल्लाह ताला फिर उठाते आपको, उठा के आपकी पूरी जिंदगी कैसे गुजारे वो अल्लाह ताला देखते, फिर कैसा गुजारना हमारी जिंदगी हमको मालूम नहीं, मालूम कुरान इसलिए पढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी कैसे गुजारे, आपको परेशानी आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी आए, आए कि नहीं आए, सीरत पढ़े तो मालूम होता, छोटी उम्र में आपके वालिद गुजर गए, फिर आपके वालिदा गुजर गए, फिर आपको कौन पाले, आपके दादा पाले, उन्होंने भी गुजर गए, फिर कौन पाले, चचा पाले, तो क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी, और फिर आप 40 साल की उम्र में नबी बने, उस तक आप नबी नहीं थे, लेकिन आपके अंदर दो अच्छी खूबियां थे, सादिक और अमीन, बोले तो क्या, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे, और क्या थे, अमानतदार, कोई एक रुपया रखा 10 रुपया कौन भी कहा भी जाते थे ना, उनका नहीं अपने सामना रख के जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे का वैसा लौटाते थे, अमानतें उनको दे के जाते थे। तो इस्लाम क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका, ये सीखना जरूरी है, मरने के बाद अल्लाह ताला कब्र से उठाते, सवाल होते उसका जवाब देना, हमारी पूरी जिंदगी, हम एक एक सेकेंड क्या कर रहे हैं वो कौन लिख रहे हैं, दो फरिश्ते हैं यहाँ पर, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, अल्लाह ताला सूरे में बोल रहे हैं किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, यानी के दो फरिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम जो जो बोल रहे कर रहे ना सब लिख रहे, मैं झूठ बोली, मैं नमाज छोड़ी, मैं गाली दी, मैं धोखा दी, या फिर मैं अच्छे काम भी करी, मैं नमाज पाबंदी से पढ़ी, मैं कुरान सीखने की कोशिश करी, मैं सुन्नतों पे अमल करी, मैं रिश्तेदारी को निभाई या मैं रिश्ते तोड़ी, ये सब लिखे उसके अंदर, फिर इसका हिसाब देना, फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, हिसाब किताब लेते, और पूरा आप जैसे एग्जाम में रिजल्ट आता ना, ऐसा हर एक का रिजल्ट आता, और कयामत के दिन जब कब्र से उठते हर एक के सामने उसका रिजल्ट रहता, जब तुम्हें बोल सकते कि अल्लाह को या अल्लाह मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं घर के कामों में ही बिजी रह गई, मुझे टाइम ही नहीं मिला दीन सीखने का, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे जन्नत में डाल दे, डाल देते अल्लाह ताला नहीं डाल, हर मुसलमान खाली नाम रखने से मुसलमान नहीं, मोहम्मद अच्छे अच्छे नाम रखते रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अच्छे नाम रखो, लेकिन दीन को समझना ये ज्यादा जरूरी है, खाली दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं पैदा करे अल्लाह ताला हमको, हमको क्यों पैदा करे, वमा खलक्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह की इबादत करो,
एक अल्लाह को पहचानो। अल्लाह जिस तरीके से हमको इबादत का तरीका बताया उस तरीके से करो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने सही हम गलत। क्यों? कुरान खोलो, है हर चीज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो, हर चीज है उसमें। नमाज कैसा पढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना, रोजे कैसा रखना, हज पे गए तो कैसा करना, रिश्तेदारों से कैसा करना। तो दीन इस्लाम क्या है? अखलाक भी है और इबादत भी है। ओके, हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद, दो चीज उनका सवाल होगा तुमको मरने के बाद। अल्लाह का हक दिए क्या? अल्लाह को एक अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाले है ना आप लोग, तो क्या आप अल्लाह के सिवा किसी और के सामने जाके सजदे करें क्या? किसी और के सामने हाथ उठाए क्या? किसी और के पास जाके मन्नतें मांगे क्या? ये क्या हो जाता? शिर्क हो जाता। फौरन ऐसे लोगों को कहां डाल देते? जहन्नम में डाल देते। अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए, उसके साथ किसी को बराबर नहीं किया जाए। जैसे कि आपका बच्चा आपको बोलता मम्मी मम्मी, कितना खुश होते आपको मम्मी बोले तो? वो होते कि नहीं माए? फिर किसी को भी और आप क्या सोचते, मेरा बच्चा मैं पाली मैं बड़ा की, कल कमाया तो मुझे देखना। लेकिन क्या होता शादी के बाद? क्या होता शादी के बाद? बीवी को भी देखता या कभी बीवी को मां से ज्यादा देखता, तो हमको गुस्सा आता नहीं आता? क्योंकि हम इतनी मेहनत करें, इतनी कोशिश करें, इतना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एक माँ अपनी मेहनत का सिला चाहती दुनिया में कि मैं इतना करी मेरा बच्चा मुझे भी देखना, बीवी को भी देखना, माँ को भी देखना, ऐसा नहीं कि पूरा बीवी का छोके भेजाना। तो हुकूक निबाद भी सिखाए इस्लाम में कि माँ वालिदैन का हक है। ओके, तो अल्लाह ताला कुरान में क्या बोलते हैं कि वालिदैन का हुकूक हक है, उनका हक उनको दो। ओके, और हदीस में ये बात भी आती कि वालिदैन जो है वो क्या है, बच्चों को बेहतरीन तरबियत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को अदब सिखाए। इससे बेहतर है अदब, इससे बेहतर है कि आप एक साथ सदका करो। का तो क्या सदका करते ना उन लोग, बहुत बड़ी नेकी है। एक साथ बोले तो बहुत, 100 दिनार या दिरहम कुछ है, वो सदके से बेहतर क्या है? अपने बच्चों को तमीज सिखाओ, अदब सिखाओ। वो कहां से आता? वो दीन इस्लाम से ही आता। अब देखो बच्चे कितना अच्छा बोले, झूठ के ऊपर बोले। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल को जाते गाली नहीं देना ये सिखाते, माँ बाप की इज्जत करना सिखाते, एक अल्लाह की इबादत करना सिखाते, चोरी नहीं करना सिखाते, कुछ भी नहीं सिखाते। क्या सिखाते? दुनिया की कमाई के लिए जो भी जरूरी है वो सारी चीजें सिखाते, लेकिन अखलाक नहीं सिखाते। अल्लाह को एक कैसे मानना, क्या करना क्या नहीं करना, वो नहीं सिखाते। माँ बाप की इज्जत इस्लाम में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा वालिदैन एहसान है, बोले अल्लाह ताला कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का है। और उसमें भी माँ बाप में सबसे ज्यादा किसका है? जरा बोलो, माए है ना इधर, माँ का है। ओके, माँ का बहुत ज्यादा हक है। और अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको उफ भी नहीं बोलना है, यानी कि कभी क्या होता बूढ़े हो गए तो एक बार चार बार बोलते, बार बार बुलाते, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाए तक बुलाते, वो खिलाओ, हाँ भाव अलहमदुल्ला, गाँव को लेके जाओ हमारे साथ, बार बार बोलते गाँव को लेके जाओ, गाँव को लेके जाओ। बूढ़े अपने क्या करते, एक बार 10 बार बोलते, बच्चों के जैसे हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहे, बूढ़े वालिदैन के साथ उफ मतलब क्या रहे, बेदर्गी से हमें बोलते ना, अब्बा कितने बार बोलते, ये भी नहीं बोलो, बोले अल्लाह ताला उनका बहुत हक है। ये चीज अगर तुम बच्चों को पढ़ाए तो बच्चे माँ बाप की कदर करते, उनकी इज्जत करते। नहीं तो क्या हो रहा, बच्चे बड़े हो जा रहे, अच्छे अच्छे कमाया कर ले रहे, इंग्लिश मीडियम पढ़ ले रहे, लेकिन क्या कर रहे, माँ बाप को छोड़ दे रहे, बदतमीजी कर रहे, गालियां दे रहे, उनको छोड़ दे रहे या बुरी आदतों में पड़ जा रहे। लेकिन जब आप दीन की तालीम देते तो दीन क्या सिखाता, अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत। ओके, अल्लाह अल्लाह ताला से तकवा, तकवा बोले तो मैं क्या करना क्या नहीं करना, मेरा अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, ये चीज सिखाता इस्लाम। सुन्नतें आप सिखाए तो आपके बच्चों को अखलाक आते। देखिए दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है, हर चीज के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए ना, खाना खाना है तो कैसे खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र करना, हर घर से बाहर निकले तो दुआ क्या है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तू। अभी कुछ लोग घर से बाहर जाते एक्सीडेंट हो जाता, चोरी हो जाती, हमको ये बात का डर रहता हम सफर में गए तो, अगर हमको दुआएं मालूम है तो इत्मीनान हो जाते ना, दुआ पढ़ के निकलते। अच्छा पीछे घर छोड़ के जा रहे, कैसा इतना सामान है, जब क्या करते दुआ पढ़ के घर को बंद करते, आयतल कुर्सी पढ़ के आप लॉकरों में सोना रखते पैसे रखते, अरे क्या हो जाता कि आयतल कुर्सी पढ़ के बंद कर देते। बिस्मिल्लाह की बरकत कितनी है,
खाना जब देर में पका तो हम क्या रहता, अरे ये खाना बस होता कि नहीं कि बिस्मिल्ला पढ़ के फूक दो। बिस्मिल्ला की बहुत बरकत है, अल्लाह के रस जो भी काम बिस्मिल्ला बोल के शुरू करे उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल। छोटी छोटी चीज के ऊपर अल्लाह ताला हमको सिखाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखाए, ये सिखाना बहुत जरूरी है। और बहुत प्यारी एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह ताला जब किसी के साथ खैर का मामला करना चाहते हैं उसे दीन की समझ देते हैं। सुभान अल्लाह, ये जो टीचर आज है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हम बहुत कोशिश करें कि एक मदरसा यहाँ पे कायम हो, बच्चों को हम दीन का इल्म दें ताकि बच्चे दुनिया के ही नहीं आखिरत में भी उनकी कामयाबी हो। क्योंकि हम सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं रहना, जैसे अभी लास्ट में बच्चे गाए ना, क्या गाए नज़म, रमजान आ गए तो मस्जिदें क्या हो जाती, वीरान हो जाती। आज नहीं बोलना लेकिन झूठ में सबसे आगे कौन है, हाँ मुसलमानों में हर तरह की बुराई आ गई, झूठ बोलना, धोखा देना, गाली देना। परसों आप वायरल वीडियो भी देखे जहेज के ऊपर, खुदकुशी कर ली उनके बीवी, क्या इस्लाम में दहेज लेना है। कितनी गलत चीज है, देखो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सिखा और हम क्या कर रहे, हमारे अखलाक से हमको बताना बाबा, हम बताना कि हम मुसलमान हैं। और इसकी हमको पूछ होती, अगर हम अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाए अल्लाह ताला उनको एक वक्त की रोटी कम दे दे उस पर आपको नहीं पूछता, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को दीन नहीं दिए तो आपको बहुत बड़ी पकड़ है। क्यों, क्योंकि उनको अल्लाह नहीं मालूम, उनको आखिरत नहीं मालूम, उनको अखलाक नहीं मालूम। ये सारी चीजें आप सीखना तो माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके अलावा औरतें भी सीखना दें, क्योंकि हम बचपन में थोड़ा बहुत सीखे कुरान पढ़ते क्या तजवीद से पढ़ते, अभी उम्र में मैं कहा तजवीद पढ़ना बोलते नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला आपके कोशिशों को देखता, कोशिश करो। हमारे पास जब मैं पढ़ती थी 60 के ऊपर या 70 साल के कोई एक आंटी आते थे हिफ्ज करते थे हमारे साथ, हम जब वो जमाने में अम्मा पारा हिफ्ज करते थे, वो बहुत बुढ़े आंटी बराबर आके हिफ्ज करते थे, उनको तो जल्दी याद नहीं होता था, लेकिन वो कोशिश कर, कोशिश अल्लाह ताला आपके देखता। दुआएं सीखो, सुन्नतें सीखो और कुरान को मायने से पढ़ो, क्योंकि अल्लाह की किताब है। आपको पूछ होती कि क्या कुरान समझ के पढ़े, अल्लाह का कलाम आप समझे नहीं समझे, आप क्या बोल रहे थे अल्लाह को, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, ऐसे बोले तो चलता क्या। पूरी तरबियत कुरान से जितनी बेहतर होती ना, हम कितना भी बोले तो नहीं, हर चीज के बारे में है कुरान में। दुनिया कैसे गुजारना, आखिरत में क्या सवाल होगा, कयामत का दिन कैसे होगा, नबियों के किस्से है, वो दिन के किस्सों से हम इबरतें मिलती, अखलाक है। बीबी आसिया का किस्सा है, मरियम का किस्सा है, बहुत प्यारी किताब है। और अल्लाह ताला को क्या चीजें पसंद है वो सारी आयतें हैं। इन्नल्लाहा मा सबिरीन, अल्लाह ताला बोलते मैं सबर करने वालों के साथ। तो जब आपको ये कुरान आप मानी के साथ पढ़ते तो खास करके औरतों को रिश्ते निभाना है, ज्वाइंट फैमिली में रहना है और बहुत चीजों पर क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता, सबर करना पड़ता। ओके, इन्नल्लाहा मास्साबिरीन। कई बार बात है मेरे पास बच्चे, बाजी मैं हक पे हूँ, मैं क्यों चुप रहना। देखो अगर आप झगड़े बहस करें तो ये बात लंबी होती, थोड़ा अपन झुक जाए तो क्या हो जाता, मामला वहीं का वहीं सेटल हो जाता। लेकिन जो अल्लाह की रजा के लिए झुका उसका क्या है, अल्लाह ताला उसके दर्जे को बुलंद करे। क्यों झुके आप, क्योंकि आपको झगड़ा नहीं हो। ओके, शोर से भी बहस होती, आप सही रहते लेकिन आप देख रहे कभी मैं बोले तो ये बात आगे बढ़ती, जब क्या करना चुप रहे, ठंडा हुए बात बोलना उनको प्यार से। ये सारी चीजें है कुरान में। इन्नल्लाहा मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के साथ, एहसान करने वालों को मोहब्बत करता है। एहसान क्या है, एहसान सिखाता इस्लाम, इतना प्यारा दीन है। एहसान का मतलब क्या, जो हमारे साथ अच्छा करे उनके साथ अच्छा करना, जो हमारे साथ बुरा करे उनके साथ भी अच्छा करना, ये है इस्लाम। जो बुरा करे उनके साथ भी अच्छा करना। पड़ोसी लाके कचरा आपके आंगन में डाले तो आप क्या करना, अपना कचरा ले जाके उसके आंगन में डालना, क्या करना, हम उठा के बाजू सट के साफ कर दें। एहसान, जो बुरा करे उनके साथ अच्छा करना, और जो अच्छा करे उनके साथ और भी अच्छा करना, ये क्या है, एहसान। ठीक है, बंदों के साथ एहसान, खास करके घरेलू मामलात में जहां पर तकरार हमेशा, शोहर बीवी सास बहू बहुत होती तकरार, छोटी मोटी बातें चलते रहती। लेकिन जब आप कुरान पढ़ते कुरान आपको हिकमत सिखाता, जब आप सीरत पढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा करें,
कैसा करें, कैसी तरबियत, अपनी बीवियों की तरबियत कैसा करें, क्योंकि एक बार एक बीवी कुछ एक और एक बीवी के बारे में उन्होंने इतने है करके बोले, छोटे करके है बोले, तो आप सलाह सुन बहुत नागवार गुजरी बात, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। आप जो बात बोले हैं ये समंदर में डाले तो पूरा समंदर का पानी क्या हो जाता, कड़वा हो जाता। किसी की भी गीबत या किसी को भी छोटा नहीं दिखाना, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कौन बनाए, अल खालिक, अल्लाह के नाम सिखाओ बच्चों को, अर रहमान, अर रहीम, अर मलिक, अर कुदूस, एक एक नाम पढ़े तो अल्लाह से मोहब्बत आती। हम बच्चों को अल्लाह को वो नहीं सिखाए, हम बोलते अल्लाह से डरो, अल्लाह अल्लाह डरने की चीज नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत करना। अल्लाह ताला हमको अर रहमान अल्लाम अल कुरान खलक अल इंसान, अल्लाह ताला क्या बोले सूरह रहमान में, रहमान ने तुमको क्या बताया, अल्लाम अल कुरान, कुरान सिखाया। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत और नेमत क्या है, कुरान है, उसको पढ़ो फिर तुमको इंसान बनाया। अल्लाह ताला चाहे तो तुमको जानवर, परिंदा, कीड़ा बना सकते थे, क्या बनाए, इंसान बनाए, ताकि इंसान अच्छे अमल करे तो जन्नत में जाता, गुनाह करे तो कहां जाता, दोजख में जाता। ये है खाली ऐसा बे खाली खाना, क्या हम और जानवर में कोई फर्क नहीं है, इंसान और जानवर में फर्क है, जानवर भी क्या करता, भूख लगती फिरता 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 खाना खाता सो जाता, बच्चे पैदा करता बच्चों को खिलाता क्या करता सो जाता, क्या हमको भी वैसे ही पैदा करे, कमाना खाना सोना नहीं, इंसान को दिमाग दे, अच्छी बातें बोलो, कुरान पढ़ो, समझो, लोगों से अच्छी बात करो, झूठ नहीं बोलो, धोखा नहीं दो, अमानतदारी करो, सबर करो, लोगों के साथ एहसान करो, ये सब अखलाक क्या कहां से आते, कुरान और सुन्नत से आते। बच्चों को भी सिखाना, चाहे आप जो भी उम्र के हैं, आप दीन के महफिल में जाना सीखना हो ही नहीं सकता कि आप एक बात ना सीखे और आपके अमल में आए, और अगर आप तुम्हें वो अमल कर ले तो क्या हो जाता, तुम्हारे में क्या लिखे जाते, घर में बैठे तो आता क्या, तुम्हें कोई भी चीज होना है तो घर से निकलते ना बाहर, ईद को कपड़े खरीदना है तो निकलते नहीं, निकलते निकलते खाने को भूख लगी तो जाके सौदे लाते नहीं लाते, घर बैठे हर चीज का नहीं आती, निकलना पड़ता। तो दीन के लिए भी आपको क्या करना पड़ता, निकलना पड़ता, वक्त देना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल करे। और थोड़ा सा छोटे मोटे मैं आपको और भी नुस्खे बताना चाह रही हूँ कि बच्चों की तरबियत कैसा कैसा करते, छोटे टिप्स, क्यों कहते हमें बच्चों के प्रोग्राम्स करते, संडे क्लास करते, समर कैंप्स करते, तो बहुत सारी चीजें हम सीखे। सबसे नंबर वन, कहानियां बच्चों को बहुत अच्छी पसंद है। जो भी यंग मदर्स है, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप क्या करना, हम लोग तो खास करके बोलते हैं बेड टाइम स्टोरीज, यानी कि जब सोने जाते ना बच्चे आके क्या करते, माओ के पास छिपकते ना नींद आई तो, जब क्या करना, कहानियां बोलना। इससे बहुत सीखते बच्चे, क्योंकि इसमें नबियों के किस्सों में बहुत सारे सीखने की चीज रहती है। जैसे अभी नूह अलैहि सलाम का वाक्य बोले, नूह बोले कश्ती में चढ़ जाओ, थोड़े लोग आज चढ़े, बाकी सब क्या बोले, हम घर के ऊपर चढ़ जाते, हम झाड़ के ऊपर चढ़ जाते, हम उधर चढ़ जाते, हमको कुछ भी नहीं होता, लेकिन इतना पानी आता, इतना पानी आता, पूरा शहर क्या हो जाता, डूब जाता, सिर्फ कश्ती में जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखो अजान हुई, देखो हमारा दीन कितना प्यारा है, अजान को जवाब दिए तो भी बहुत नेकियां है। सबको आता अजान को जवाब देना, क्या करना है, जो भी अजान के अल्फाज है वही रिपीट करना है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सेम बोलना है, हय्या अलस सला हय्या अलल फला, बोले तो क्या बोल रहे मौजन, नमाज के लिए आओ, कामयाबी के लिए आओ, तो नमाज क्या है, कामयाबी है, नमाज पढ़े तो कामयाबी है ये। ओके, फिर अल्लाह अकबर सेम सेम बोलना है, उसके बाद क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके क्या है, 10 दुरूद शरीफ पढ़ते, फिर क्या करते, रदीतु बिल्लाहि रब्बा वल इस्लामी दीनो पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िद दावति तौमा, लंबी दुआ है, हर दुआ के पीछे आपको बहुत सारी नेकियां है, बहुत सारी फजीलतें हैं। खाली घर में बैठ के अजान सुन के जवाब दे तो इतने क्या कमा लेते आप, लेकिन नहीं आती, सीखना, अल्लाह ताला शौक रखे तो सिखाता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सीखो, ये बहुत जरूरी है। अब देखें, ये स्टोरी मैं बोल रही थी, ये स्टोरी अब बोलना बच्चों को, अब आप बोलते हमें नहीं मालूम, तो सीखना माए, हर चीज सीखते ना बच्चे को, क्या तुम्हें डिश पसंद है तो हलीम बनाओ बोले तो नहीं आता बोल देते, क्या क्या करते, इधर उधर फोन लगाते,
कैसा बनाना, कैसा बनना, फिर पका के देते, तो ये भी सीखना कहानियाँ। ये कहानी में क्या है, नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में नई सवार हुए, सुनो सभी जने क्या हो गए, डूब गए। हाँ, यो कश्ती में रहे सो परिंदे जानवर बच गए। अब इसमें हमारे लिए क्या है, इबरत क्या है, नसीहत क्या है, एक अल्लाह को मानना, जो अल्लाह को नहीं माने अल्लाह ताला उनको डुबा दिया। अब कोरोना भी क्या करा, कीड़ा है ना छोटा सा, आपको नजर आया वो, लेकिन पूरी दुनिया वालों को क्या कर दिया, घर में बिठा दिया, सब बंद होके बैठ गए। लेकिन मोमिन क्या है, पूरी दुनिया डर गई, लेकिन मोमिन क्या है बोलिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मोमिन के लिए हर हाल में कामयाबी है, खुशखबरी है। क्या, जब उसको कोई एक खैर पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से फजल है, जब उसके लिए कोई तकलीफ पहुंचती है और वो सबर करता है तो उसमें भी उसके लिए क्या है, अजर है। और अगरचे ऐसी बीमारियों के वजह से हम डरते नहीं, हम क्या करते, दुआ करते, अल्लाह पे तवक्कल करते, हमारा और काफिरों का मामला एकदम अलग रहता। तो बच्चों को क्या करना, कहानियां सुनाना, छोटे छोटे नज़म। अभी बच्चे गए ना, कितना प्यारा नज़म है वो, उसमें कितना अच्छा है, देखो नमाज के ऊपर है कि मस्जिदें खाली हो गई, तो ये फिक्र दिलाना, हया अल सलाह हया अल फला। तो मैं, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते ना, छोटे बच्चों को आप कहानी बोल सकते, बार बार एक चीज रिपीट कर सकते, लेकिन थोड़े बड़े हो जाते ना बच्चे, उनको बार बार बोले तो क्या होता, टीनेज वालों को क्या होता, टीनेज में चिढ़ाते हूँ, जब हिकमत यूज करना। मैं एक ही वर्ड बोलती हूँ हमारे बेटे को, सोते रहते फजर की अजान में नींद लग जाती ना उनको, अच्छा रात में जगते, मैं एक ही बोलती हूँ उनको, क्या होना, दुनिया की कामयाबी होना और आखिरत की भी, मैं एक ही वर्ड उनको हला के उनको बोलती हूँ, हया अल सलाह हया अल फला, खत्म। सुनिए, नींद में सुने की आधे सुने की मैसेज डाल देती हूँ व्हाट्सएप में फजर की, ठीक है। जो इंसान इस नियत से उठा कि वो अल्लाह की इबादत करता, यानी कि जो इंसान फजर पढ़ने के लिए उठा, मतलब उसको अपने जिंदगी का मकसद समझ में आ गया कि वो अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। बहुत प्यारा पोस्ट है, इंग्लिश में है वो पढ़ा देती मैं। तो हम क्या करना, हिकमतों से बच्चों की तरबियत करना, इसमें माओ का भी बहुत बड़ा किरदार रहता, रोल रहता। शौहर को कैसे बोलना, शौहर को बोले तो पसंद आता, नसीहत करे तो शौहर पसंद आता, नहीं आता ना। जब क्या करना, कार में कुछ कुरान का ऑडियो ऐसे लगा देना या घर में लगा देना, क्या बोला, मैं सुन रही हूँ, मेरे बच्चे सुन रहे, घर में शौहर रहते ना, क्या होता, इनडायरेक्टली वो भी सुन ले। हिकमत देख, तलाश करना, हिकमत तलाश करना। प्रोग्राम डाल दिए, आप देख रहे, आपके बच्चे देख रहे, इनडायरेक्टली उन्होंने देखते इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से हिकमत मांगना, ओके। तो ये सारी चीजें रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। गेम्स, ये गेम खिलाए थे कल बच्चों को, इसमें क्या था, अशरा मुबशरा 10 सहाबा के नाम हमको याद कराए थे, तीन टीम्स बना दिए थे, और वो ABCD यहाँ पर है देखो, वो छोटे छोटे ABCD लेटर्स दे दिए, टाइम दे दिए, कौन सबसे पहले वो नामों को चिपका, तो उसमें क्या हो गया, 1 2 3 ऐसा। तो तीन ग्रुप बनाए थे, ये बच्चे बनाए। अब तुम्हें देखो, ये बच्चे, आप जो प्रोग्राम करे, एक बच्चे नमाज के ऊपर बोली, नबी के ऊपर बोली, क्या क्या की बोली, एक बच्चे सीख रही तो दूसरे बच्चे सुन रहे, नहीं सुन रहे, सुन रहे ना, तो उन्हें भी वो सीख रहे ना। अब देखो माशाल्लाह, ये बच्चे एक साल से आ रहे, कितने दिनों से आ रहे, कुछ ये बच्चे कब से आ रहे, 3-4 साल से आ रहे, कुछ नहीं भी है ना बच्चे, हाँ कुछ बच्चे एक साल से आ रहे, जितने भी दिनों से आ रहे कुछ तो भी सीखे ना, सीखे नहीं सीखे, आज क्या क्या चीजें, नमाज के ऊपर, नबियों के ऊपर, आखिरत के ऊपर, जहन्नम जन्नत के ऊपर बोले, ये बच्चे सीखे। बच्चों का दिल है ना एक कोरे पेपर के जैसा रहता, साफ रहता उनका दिल, अब जो डालते ना वो रह जाता हमेशा के लिए। अब आप करना मेहनत उनके ऊपर, आप भेजना, सिर्फ ऐसे नहीं बोलना कि कुरान जल्दी पढ़ा दो, कुरान जल्दी नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना, समझ के पढ़ना, उनको दुआएं भी आना, सुन्नतें भी आना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी आना, खाली कुरान पढ़े तो क्या, सीरत भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, क्या करे, कितने जंगा हुए, हर जंग में क्या करे, उनके साथ क्या क्या परेशानी आई, ये भी बच्चे पढ़ना, हर चीज पढ़ाना बच्चों को, आपको पूछो थे ये सारी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो साथी है माशाल्लाह से सलमा, काफी कोशिश करे, बहुत मेहनत है ये बच्चों की, पिछले 5-6 महीने से ये लोग तैयारी करें, अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में बरकत दे। और ये बच्चों को अपने वालिदैन के लिए सदकाए जारिया, याद रखिए बच्चे आपके लिए क्या है, सदकाए जारिया, आप मरे बाद भी वो अमल करें तो आपको
क्या है, अजर मिलता। और आपके लिए दुआ करना या नहीं करना, आपके बच्चे क्या है वो दुआ, आप नहीं सुखाए तो आपके लिए आपके बच्चे दुआ करते, क्या है बच्चे माँ बाप के लिए जो दुआ करना। रब इरहम हुमा कमा रब बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम कर जैसे उन्होंने मुझ पे रहम किया। माँ बाप अपने बच्चों पे रहम करके उनको अच्छी अच्छी कोशिश मेहनत करके उनको अच्छी अच्छी चीजें करते। अब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको एहसास होता, जब उन्हें हाथ खोल के अल्लाह से क्या दुआ करता, रब इरहम हुमा, ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम कर जैसे उन्होंने मुझ पे रहम करा। ये कौन सिखा ये दुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा। आप मरे तो आपके लिए दुआ करना या नहीं करना, जनाजे की नमाज में करना नहीं करना आपका बच्चा आपके लिए दुआ। लेकिन अफसोस बहुत सारे बच्चे हैं, माँ बाप मर गए तो रोते रहते लेकिन उनको दुआ नहीं आती। कौन ने सिखाया उनको दुआ, उनके वालिदैन। बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हयातिना व मय्यतिना व सबीरिना व कबीरिना, बहुत प्यारी प्यारी दुआ है, सुभान अल्लाह। तो दीन सिखाओ और इसमें आप भी सीखो, ये मत सोचो मेरा उम्र हो गया अब मैं नहीं, जाओ एक तो भी चीज आप सीखते, अल्लाह ताला आपकी कोशिश आपका इल्म आपके अमल को देखता है। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इस कोशिश को कबूल करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजो, आप भी आके थोड़ा टाइम निकालो, अल्लाह ताला आपके लिए और टीचर के लिए सबके लिए आसानी करे और बरकत दे। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने अपनी मुफीद बातों से हमारे और हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई की। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके इल्म को कबूल फरमाए, इल्मी इजाफा अता फरमाए और इसी तरह इनसे दीनी खिदमत लेते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अब हमारे प्रोग्राम का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब बच्चियों को इनामात तकसीम किए जाएं। मैं हमारे मौलिमा से दरख्वास्त करती हूं कि आप अपने हाथों से बच्चों को इनामात तकसीम करें। अब जिस जिसका नाम लूंगी वो बच्ची आगे आएगी और इनाम लेके जाएगी। इफ्रा बिन्ते खादर बाशा, जज़ाकल्लाह। अर्शिया बिन्ते इद्रीस, अतिया बिन्ते आरिफुल्ला साहब, ये सर्टिफिकेट मदरसे की तरफ से दिए जा रहे हैं बच्चियों को। माशाल्लाह बहुत जोश में बोले, बहुत अच्छा बोले माशाल्लाह, बार बार अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी उनकी दाई बनाए इंशाअल्लाह। अफसाना बिन दादा की, वाहिदा बिन रहमान, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। ज़ोया बिन सैफुल्ला, बोलो जी बोलो। मरिया बिन बाशा, बारकल्ला। अर्शिया बिन रहमतुल्ला, हाँ।
सादिया बिन मोहम्मद इस्माइल आयमन बिन अब्दुल्ला रेहाना बिन पीरा हरीन बिंत इशाक अस्मा बिन हुसैन सानिया बिन बाशा सुनैना अंजुम बिन रहमान चांदनी बिन दादा हलंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब है अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि इसको पढ़े अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद उतनी नहीं आती लेकिन कोशिश कर रहे हैं आगे जाके अल्लाह ताला इनको और बेहतर टीचर दे इनकी तजवीद और अच्छी हो कुरान को समझे और इस पर अमल करे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शबाना बिन शब्बीर अच्छा ये शायद आज नहीं है इनका कुरान खत्म हो चुका है इंशाल्लाह अच्छा होना चाहिए ठीक है आके शबाना बिन शब्बीर इनका कुरान खत्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम और आके पढ़ना बार कर शुक्रिया माशाल्लाह अब सर्टिफिकेट मदरसे की तरफ से और कवर में बॉटल और कैरियर बॉक्स सब बच्चों को तकसीम किए गए अब कुरान तकसीम करने के लिए मैं साहिबा को दावत देती हूँ कुरान तकसीम करें मैं जिन जिन नाम आप लूंगी वो आए और कुरान लेके जाए अतिया बिन के आरिफुल्ला साहब बिन के बाद अफसाना बिन के दादा पीर अहमद बिन के अब्दुल्ला साहब अस्मा बिन के हुसैन साहब फरहीन बिन के इसहाक रिहाना बिन के पीरा साहब सानिया बिन के बादशाह साहब चांदनी बिन के दादा खलंदर लिए कुरान लिया माशाल्लाह अब इस प्रोग्राम का सिलसिला खत्म हो चुका है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला दुआ करती हूँ कि हम तमाम के जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे आने को कबूल फरमाए और कदम बा कदम नेकी अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन अब मजलिस की इख्तिताम की दुआ पढ़ी जा रही है सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।